नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। जैसे कि मैंने 5 ज्योतिर्लिंग कवर कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं आज 6ठा ज्योतिर्लिंग। तो चलिए सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये पुणे से करीबन 110 किलोमीटर दूर है और पुणे से आपको बस मिल जाएगी। शिवाजी नगर बस स्टैंड आना पड़ेगा आपको, जो पुणे रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर है और पुणे एयरपोर्ट से करीबन 10 किलोमीटर दूर है। शिवाजी नगर पुणे बस स्टैंड से आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बसेज मिल जाएंगी, जिसका किराया करीबन 250 से 500 रुपये तक होगा। और हम लेके आए हैं प्राइवेट कार। हम भीमाशंकर एरिया में दाखिल हो चुके हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखते हुए आप जा सकते हो और इसका सही आने का टाइम है तो बारिश में, जुलाई अगस्त में आप आइए, तब आपको पर्वत के झरने, नदी नाले, बहुत कुछ आपको देखने यहाँ मिलेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा। और हम लगभग पहुँच चुके हैं। अगर आप कार लेके आते हो तो पार्किंग आपको पहले करनी पड़ेगी, करीबन मंदिर से 2 किलोमीटर पहले। और अगर ड्राइवर आप साथ लेके आते हो सेल्फ ड्राइव छोड़ के, तो आप मंदिर के सामने भी उतर सकते हो और ड्राइवर वापस पार्किंग एरिया में आके गाड़ी लगा देगा। तो हम बस भीमाशंकर पहुँच ही गए हैं। भीमाशंकर जाने के लिए आपको ये करीबन 325 सीढ़ियाँ हैं जो आपको नीचे लेके जाएंगी। और ये मंदिर सुबह 4:30 बजे से रात को 9 बजे तक ही खुलता है। एक ज़रूरी बात, अगर आप भीमाशंकर बस से आ रहे हो तो शाम को आप 5:30 बजे तक बस स्टैंड पहुंच जाएं, नहीं तो आपको बसेस नहीं मिलेगी। 6 बजे लास्ट बस जाती है। और ये बैठे हैं हमारे भीमाशंकर महादेव। इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है क्योंकि शिवलिंग का आकार थोड़ा सा मोटा है। और ये है मंदिर का बाहर का रूप, बड़ा ही सुंदर बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया है। भीमाशंकर महादेव के दर्शन करने के बाद गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर बना हुआ है, यहाँ भी आप दर्शन करके इसका लाभ उठाएं। और भीमाशंकर बाज़ार में आपको कई तरह की मिठाइयाँ बनी मिलेंगी, मेवा से बनी है, आप इन्हें खरीदें। अभी मैं आ चुका हूँ भीमा नदी के उगम स्थान पर। भीमाशंकर के बाज़ार से थोड़ी ही दूर पर है। यह जगह को पंचगढ़ी देवस्थान भी बोला गया है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सूर्य का पंचगढ़ी स्थान है। ये भीमा नदी जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है, तो आप ज़रूर यहाँ आएँ और इसका लाभ उठाएं। अब मंदिर से थोड़ी ही दूर पे आप ये ब्रिज देखेंगे पीछे के साइड में, और ये कच्चा सा रास्ता है। इस रास्ते में जाकर आपको हम ले चलते हैं गुप्त भीमाशंकर। जी हाँ, ये मंदिर के बहुत ही नज़दीक है गुप्त भीमाशंकर। ये पूरा जंगल एरिया है, यहाँ पर आपको रंग बिरंगे फूल, पक्षी, बंदर। और ये मंदिर है साक्षी गणपति जी का। कहा जाता है कि यहीं गणपति जी ने खड़े होकर देखा था कि शिव भगवान भीमा राक्षस का वध करते हुए, तभी से वो यहाँ स्थापित हो चुके हैं। और हम पहुँच गए हैं गुप्त भीमाशंकर में। यहाँ शिवलिंग बना हुआ है जिसके ऊपर प्राकृतिक रूप से ये वाटरफॉल गिरते रहता है, तो ये भी बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है, अद्भुत जगह है, आप आएँ। और इसी के नज़दीक मुंबई पॉइंट, पहाड़ के ऊपर से सनसेट का नज़ारा बहुत ही अद्भुत, मंदिर से 2 मिनट के दूरी पे है, आप शाम को ये ज़रूर आ सकते हैं यहाँ पे। मंदिर के सामने ही आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेट नज़र आएगा, आप इसके अंदर से हनुमान लेक जा सकते हो। करीबन 2 किलोमीटर आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति ले लेते हो तो बाइक से भी जा सकते हो, पैदल आपको 20 से 25 मिनट लगेगा। ये बहुत ही सुंदर लेक है, कहा जाता है इस कुंड में आप नहाकर हनुमान जी के दर्शन करने से आपको मन इच्छा फल प्राप्त होता है। और ये मंदिर के पीछे से एक अच्छा रास्ता गया है जो नागफनी पॉइंट जाता है, वहाँ आप जा सकते हो, लेकिन वो ट्रैक करने की जगह है और आप ग्रुप में ही जाए वहाँ, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली है कि शाम की 7:30 बजे की आरती में शामिल होने का मौका हमें दोबारा मिला। भीमाशंकर बाज़ार या भीमाशंकर मंदिर के इर्द गिर्द आपको वेजिटेरियन थाली 100 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। शुद्ध शाकाहारी बहुत ही स्वादिष्ट खाना आपको मिलेगा। और अगर आपको साउथ इंडियन खाना खाना है तो बस स्टैंड के करीब ये बना हुआ ढाबा है, जहाँ पर आपको साउथ इंडियन इडली, डोसा, बड़ा, सांभर मिल जाएगा। और ये बस स्टैंड आपको पुणे तक ले जाएगा, लेकिन शाम को 6 बजे लास्ट बस छूटती है, तो आप उसका ख्याल रखें। उसके बाद कोई बस नहीं जाती, आपको यहीं स्टे करना पड़ेगा। और इसी के नज़दीक आपको रूम मिल जाएगा जिसका भाड़ा आपको लगेगा 700 से 1500 के बीच में। सीज़न के टाइम में ये 2000 जाता है। कुछ गवर्नमेंट के भी छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं यहाँ पर।
और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग में। मेरे ब्लॉग अपने परिवार के साथ शेयर करते रहे, लाइक कमेंट और अपना प्यार बनाते रहे और सपोर्ट मिलेगा। जय।